ओके, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो बेटा याद होगा आपको, मैंने काइनेमेटिक्स में एक चीज पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था मैं तो भूल गया। हाँ, काइनेमेटिक्स में एक चीज पढ़ाया था आपको, सूडो। सूडो मतलब झूठ का। सूडो मतलब झूठ का, झूठ का फोर्स। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो आप समझ गए, है ना? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स दीजिए। सेकंड लॉ, जल्दी चेंज करना है तो ज्यादा दीजिए, है कि नहीं? ये सब है। थर्ड लॉ तो बच्चे बच्चे को याद है, एक्शन का रिएक्शन होता है। ओके फाइन, सूडो क्या चीज, आइए समझते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। देखिए ये मान लीजिए बस है, बस, बस के चक्के बना दिए मैंने, ठीक है, और बस जा रहा है आगे विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और आप बैठे हैं यहां पर। ठीक है, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं। ये कौन है भाई? ये ड्राइवर साहब है। तो ड्राइवर साहब का पैर जो है वो ब्रेक पे होना चाहिए। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड से ये बस चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। फिर चाहे ये स्पीड कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आपको कोई परेशानी नहीं होती। समझ रहे हैं क्या बात आप? ये चाहे कितना भी स्पीड से जाए, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपको कुछ भी फील नहीं होता। अगर आप अपनी आंखें बंद कर ले और खिड़कियों वगैरह भी बंद करें, आपको समझ में नहीं आएगा बस चल रही कि नहीं चल रही। कान वगैरह भी बंद कर लीजिएगा, ईयरफोन डाल लीजिएगा, तो बहुत नई आदत आप लोगों को पकड़ा है कि नहीं? कान में ईयरफोन डाल लीजिए, बस एकदम एक नंबर वॉल्वो वाली, 2000 रुपये पर सीट। फिर बस चाहे कितना भी स्पीड से चले, आपको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बस एक्सीलरेशन में नहीं है। समझ रहे ना आप? बस एक कांस्टेंट स्पीड में है, आप भी उसी स्पीड में है, तो आपका जो रिलेटिव स्पीड है बस के रेस्पेक्ट में, वो तो जीरो है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये भाई साहब ने, ये जो ड्राइवर भाई साहब है, इसने मान लीजिए ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक लगाता है वो, जैसे ही ब्रेक लगाता है, सबके मुंडी ऐसे हो जाते हैं। हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आपका वेलोसिटी कम हो रहा है। ये सब क्या है, आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, और वो है इनर्शिया। समझ रहे ना आप? इनर्शिया। तो बेटा ये तो आप समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए बस ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पावर रख दिया तो स्पीड बढ़ता रहेगा, तो आप सबका खोपड़ी ऐसा हो जाएगा, आप सबका खोपड़ी ऐसा हो जाएगा। होगा होगा ना? तो ये सब क्या है? इनर्शिया है। अब एक और एग्जाम्पल सुनिए, एक और एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए ये बस है, ठीक है, और ये बस का पिछला हिस्सा में, ये बस का फ्रंट साइड है, ये ड्राइवर भाई साहब है, डबल डेकर बस है, ठीक है, और ये ड्राइवर भाई साहब है, स्टीयरिंग को पकड़े हुए, और यहां पर आप खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है,
कुछ पकड़े नहीं है आप, कोई पोल वगैरह कुछ पकड़े नहीं है, आप बस खड़े हैं, ठीक है। अब बस के पीछे साइड में मान लीजिए इमरजेंसी गेट है, क्या है? इमरजेंसी गेट, और वो है खाली, मतलब इमरजेंसी गेट टूटा हुआ है, खुला हुआ है, इमरजेंसी गेट खुला हुआ है, इट इज ओपन टू सराउंडिंग, ओपन टू आउटसाइड। अब मान लीजिए किसी दिन क्या हुआ, आपके जूता, आपका जो शूज है, ठीक है, आपका जो शूज है और आपका जो शूज है और बस का जो फ्लोर है, बस का जो फ्लोर है उसके बीच में कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है। आज आपका जो शूज है और बस का जो फ्लोर है उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो आप ही बताना, नो फ्रिक्शन, ओके? प्लीज कंसीडर दैट देयर इज नो फ्रिक्शन। अब आप ही बताना, बस अगर सामने की ओर एक्सीलरेट करे तो आप यहां नहीं टिक पाओगे, टिक पाओगे क्या? नहीं टिक पाओगे, समझे? आप क्या होगा, आप इस तरफ मूव करने लगोगे, आप इस तरफ मूव करने लगोगे और यहां से बाहर गिर जाओगे, और यहां से बाहर गिर जाओगे, होगा ना ऐसा? क्योंकि पैरों में फ्रिक्शन ही आपको पकड़ के रखने में मदद करता है, पैरों में जो फ्रिक्शन रहता है वो आपको बस को पकड़ रखने में मदद करता है। कोई पोल वोल आपने नहीं पकड़ा, बस में पोल ही नहीं है, कुछ नहीं है बस में, बस ये बस सामने की ओर जैसे ही एक्सेलरेट होगा तो आप पीछे की ओर गिर पड़ेंगे। तो मैं आपसे वही सवाल पूछने वाला हूं कि इस इंसान को किसने फोर्स लगाया? अगर मैंने इस इंसान का एफबीडी बनाया, अगर मैंने इस इंसान का एफबीडी बनाया तो मैं बोलूंगा ये इंसान का मास अगर एम है तो, और ये बस की एक्सेलरेशन अगर ए है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से पीछे आने लगता है, ठीक है। तो सवाल ये है बेटा, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है जिसका शायद कोई जवाब नहीं है। सवाल ये है कि इस इंसान को किसने फोर्स लगाया? किसी ने नहीं, इस इंसान को किसी ने भी फोर्स नहीं लगाया, समझ में आया? तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने भी फोर्स नहीं लगाया तो इसके पास ए कैसे आया, इसके पास ए कैसे आया, समझ रहे मेरा बात आप? अगर किसी ने भी इसको फोर्स लगाया नहीं, जैसे आप एक ब्लॉक बनाते हैं और बोलते हैं ये उधर जा रहा है और इधर दिखाते हैं कि टेंशन टी है, तो आप बोलते हैं ना टी इज इक्वल टू एम ए, भाई कोई फोर्स लगा तब ना बोल सकते हैं कि वो फोर्स ने बॉडी को एक्सेलरेट किया तो मैंने बोला दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, समझ रहे? समझ में आ रहा है? इधर मान लीजिए टी टू है, इधर मान लीजिए टी वन है, तो आप लिखते हैं ना ऐसा टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू एम ए बड़ा कौन, ऐसा लिखते हैं। अब इस इंसान को किसी ने भी फोर्स नहीं लगाया, किसी ने भी फोर्स नहीं लगाया, तो फिर इसको एक्सेलरेशन कैसे लगा? और अगर एक्सेलरेशन इसको लगा, वो तो पता है आपको कि इसको तो एक्सेलरेशन लगा, लेकिन अगर इसको एक्सेलरेशन लगा बिना किसी फोर्स का तो फिर न्यूटन का पहला लॉ कहां गया? पहला लॉ बोलता है कि एक्सेलरेशन तभी लगेगा जब आप फोर्स लगाएंगे। अ बॉडी विल एक्सेलरेट, अ बॉडी विल चेंज इट्स मोमेंटम इफ यू अप्लाई फोर्स। नोबडी हैज अप्लाइड फोर्स टू दिस मैन, देन हाउ इज दिस पॉसिबल दैट द मैन गेन्ड सम एक्सेलरेशन, द मैन गेन्ड सम एक्सेलरेशन, हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका मतलब क्या? फर्स्ट लॉ इस इंसान के लिए गलत है, एप्लीकेबल नहीं है, है क्या ऐसा? नहीं। समझे? समझे बात को, समझे, ठीक है। तो इनर्शिया के कारण जो फोर्स लगता है,
इनर्शिया के कारण जो फोर्स लगता है, ठीक है, हम उसको इनर्शियल फोर्स नहीं कहते, बट इनर्शिया के कारण जो फोर्स लगता है वही है आपका सूडो फोर्स। सूडो मतलब झूठ का, सूडो मतलब फॉल्स। इसको फोर्स नहीं लगा फिर भी एमए, समझे? तो ये जो एमए एक फोर्स है, यही फोर्स क्या है? सूडो फोर्स। यही फोर्स क्या है? सूडो फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लीजिए, ये डस्टर के ऊपर मैं ये डस्टर रख देता हूं और मैं इसको फोर्स लगाता हूं। किसको? नीचे वाले डस्टर को मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो नीचे वाला डस्टर एक्सेलरेशन में आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? ऊपर वाला डस्टर भी तो एक्सेलरेशन में आ रहा है, ऊपर वाला डस्टर भी तो एक्सेलरेशन में आ रहा है ना। ऊपर वाला डस्टर भी एक्सेलरेशन में आ रहा है। किसने लगाया उसको फोर्स? मैंने तो नहीं लगाया, मैंने तो नीचे वाले को फोर्स लगाया, ऊपर वाले को तो मैंने टच भी नहीं किया है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ऊपर वाला डस्टर को क्या हो रहा है? एक सूडो फोर्स लग रहा है इस दिशा में, समझे? बात को अच्छे समझिएगा। ऊपर वाला डस्टर को मैं जब इस नीचे वाले डस्टर को जब मैं नीचे वाले डस्टर को इधर लेकर जा रहा हूं, तो ऊपर वाला डस्टर को इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लग रहा है। और जैसे ही उसको सूडो फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन का जन्म हो रहा है, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है जो कि सूडो फोर्स से बराबर है, समझे? इसका और इसका बीच में जो फ्रिक्शन है यहां पर, वो सूडो फोर्स लगने की वजह से जन्म ले रहा है। और फिर क्या हो रहा है? इस तरफ फ्रिक्शन जन्म ले रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अपर वाला बॉडी को इस साइड कौन लेकर गया? फ्रिक्शन, जकड़न। ये जो इसको जकड़ के बैठा हुआ है ना, वो जकड़न वाला फोर्स इधर लग रहा है। तो मैं क्या पूछ रहा हूं? जकड़न वाला फोर्स इधर उत्पन्न कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ? क्योंकि इस डायरेक्शन में इसको सूडो फोर्स लगा था, समझे? बात को समझे। अगर मान लीजिए मैंने, सुनिए, फ्रिक्शन का ना एक लिमिट होता है। फ्रिक्शन जो है, आराम से आपको पढ़ाऊंगा बाद में, अभी टेंशन मत लीजिए। किसी भी दो सरफेस के बीच में अधिक से अधिक कितना फ्रिक्शन हो सकता है, इसका एक लिमिट है, समझे? इसका एक लिमिट है। तो मान लीजिए वो लिमिट है 10 न्यूटन, ठीक है? यानी ये ऊपर वाला डस्टर और नीचे वाला डस्टर के बीच में जो फ्रिक्शन हो सकता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से ऊपर उसका फ्रिक्शन नहीं हो सकता, समझे? अब बात को समझिए, मैंने अगर इस नीचे वाले डस्टर को इतना जोर से लेकर गया, मैंने अगर नीचे वाले डस्टर को इतना ज्यादा जोर से इस डायरेक्शन में लेकर गया कि सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में 10 से ज्यादा हो गया, सूडो फोर्स जो अपर वाला डस्टर फील करेगा वो इस डायरेक्शन में फील करेगा, और मान लीजिए मैं नीचे वाले डस्टर को इतना जोर से लेकर गया कि इस डायरेक्शन में जो अपर वाला बॉडी को सूडो फोर्स लगेगा वो 10 से ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए। लेकिन फ्रिक्शन तो 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, और इसीलिए तब वो उसके साथ नहीं चलेगा, यानी अगर मैंने कम फोर्स लगाया तो चला, और थोड़ा फोर्स लगाया तो थोड़ा सरक रहा था वो, और थोड़ा फोर्स लगाया तो वो पूरा ही गिर गया। हुआ क्या? क्या हुआ? हुआ ये कि पांव तले जमीन सरक गया, ये एक्चुअल है। और हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? फिजिक्स में हम बोलते हैं कि इस तरफ जो सूडो फोर्स लगा वो इस तरफ फ्रिक्शन जितना लग सकता था उससे ज्यादा लग गया, और इस तरफ ऊपर वाला डस्टर को कौन लेकर जा रहा था? फ्रिक्शन। बट उसका तो लिमिट है और हमने लिमिट पार कर दिया। तो आप इतना समझिए बात को, ज्यादा उलझिए मत, इतना समझिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट
के साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा रखा रहता है और आप इस बॉडी को एक्सेलरेशन ए देते हैं, तो इस बॉडी को इस डायरेक्शन में सुडो एक्सेलरेशन ए ही महसूस होता है, एकदम सेम। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, चाहे आप कितना भी इसको ना बोल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप नीचे वाला बॉडी को फोर्स एफ देंगे तो ऊपर वाले बॉडी को इस तरफ फोर्स एफ नहीं फील होता है। क्या बोल रहे सर आप? हां, यानी सुडो फोर्स सेम नहीं होता, सुडो फोर्स सेम नहीं होता। क्या सेम होता है फिर? सुडो एक्सिलरेशन सेम होता है, सुडो एक्सिलरेशन सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बाद में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। काम कब आएगा? बाद में आएगा, समझे? तो याद रखिएगा, सुडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर सुडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं होता, अगर सुडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं होता तो न्यूटन का जो पहला लॉ है वो आज गलत साबित हो जाता, समझे? तो न्यूटन का जो पहला लॉ है वो सुडो फोर्स की वजह से इस बॉडी पर एप्लीकेबल है। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो सुडो फोर्स की वजह से इस बॉडी पर एप्लीकेबल है। मतलब, कहने का मतलब ये है, ये बॉडी को इधर एक्सेलरेशन फील हो रहा है, तो तुरंत सवाल उठेगा ये फील क्या होता है? न्यूटन ने कुछ फील वील तो नहीं बोला था, न्यूटन ने बोला था फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेशन होगा, तो इसको तो किसी ने फोर्स लगाया ही नहीं, फोर्स तो नीचे वाले बॉडी को लगा था। तो सुडो फोर्स ने न्यूटन का जान बचा लिया, बोला कि अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई बॉडी रखा हुआ है तो नीचे वाला बॉडी अगर, मान लीजिए सुडो नीचे वाला बॉडी अगर ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा तो ऊपर वाला बॉडी को ए एक्सेलरेशन सुडो वाला फील होगा। और याद रखिएगा, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला कि इसको मैंने फोर्स एफ दिया और आपने ऐसा कर दिया कि इसको सुडो फोर्स कितना फील होगा? एफ। तो ये बात गलत है, ये बात सही है। मतलब सुडो फोर्स सेम नहीं होता, सुडो एक्सेलरेशन सेम होता है, समझे? तो आप फिर सुडो फोर्स कैसे निकालेंगे? अगर इस पर मैंने फोर्स लगाया F, तो इस पर भी सुडो फोर्स F नहीं लगेगा, लेकिन इस पर अगर एक्सेलरेशन दिया A, तो इस पर सुडो एक्सेलरेशन A लगेगा, यानी सुडो एक्सेलरेशन सेम होगा, सुडो फोर्स सेम नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट को सुडो फोर्स कितना लग रहा है वो कैसे पता करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। आपको इसका सुडो एक्सेलरेशन मालूम है? हाँ, कितना? अबे जितना इसका है। इसका मास कितना है? मान लो m है, m1 है, और इसका मास मान लो m2 है। तुमको किस पर सुडो फोर्स चाहिए? इस बॉडी पर। उसका मास कितना है? m1। उसका एक्सेलरेशन कितना है? a। तो m1a। नहीं समझ में आया? समझ जाएगा। देखो, ये मान लो एक बाइक है, बाइक पर मान लो दो लोग बैठे हैं, एक गाड़ी चला रहा है और एक पीछे बैठा है, बहुत मस्ती है, ठीक है? एक गाड़ी चला रहा है, एक पीछे बैठा हुआ है, ठीक है? ओके। अब मान लीजिए गाड़ी का एक्सेलरेशन ए है। अच्छा, इसने बेकार में सामने वाले को पकड़ लिया, नहीं पकड़ेगा, ठीक है? तो ये गाड़ी चला रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये इंसान तो हैंडल को पकड़ लिया है, बट ये इंसान किसी को पकड़ा नहीं है, किसी को बिना पकड़े पीछे बैठा है। तो इस इंसान का मास अगर मान लीजिए m1 है और इस इंसान का मास अगर m2 है, तो इस इंसान पर इधर सुडो एक्सेलरेशन कितना लगेगा? जितना गाड़ी का एक्सेलरेशन है। अब मान लीजिए गाड़ी का फोर्स था पी, गाड़ी का फोर्स कितना था? पी। तो इसको सुडो फोर्स पी नहीं लगेगा, कितना लगेगा सुडो फोर्स? कितना लगेगा सुडो फोर्स? m1a। यानी सुडो फोर्स इज इक्वल टू
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू सूडो एक्सेलरेशन. एंड व्हाट अबाउट सूडो एक्सेलरेशन? सूडो एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ द बॉडी कॉजिंग सूडो एक्सेलरेशन. जो बॉडी के वजह से इस बॉडी को सूडो एक्सेलरेशन लग रहा है, इस बॉडी का जितना एक्सेलरेशन होगा, इस बॉडी का सूडो एक्सेलरेशन उतना ही होगा. समझे? तो ये था सूडो का कंसेप्ट. तो सूडो के बारे में आप जो भी समझ सकते हैं ये जरूर लिखिएगा कि न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन का जो लॉ है वो ओबे होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स. किस पर? ऐसे ऑब्जेक्ट पर जो इनर्शिया के कारण मूव कर रहे हैं. आई समझ में बात? तो इसको आप लिखिएगा, ठीक है. अब देखिए, ये मान लीजिए एक लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट जा रही है ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रही है, और एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां से या फिर मान लो एक ऑब्जेक्ट को आपने धागे में बांध दिया, एक ऑब्जेक्ट को आपने धागे से बांध दिया, ऑब्जेक्ट का मास है एम, कहां बांधा? लिफ्ट का सीलिंग में बांधा, ठीक है. तो बेटा इसका ऊपर टेंशन टी होता है और नीचे वजन एम जी होता है, और आप क्या बोलेंगे? टी इज इक्वल टू एम जी. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने से नहीं होता है. समझे? चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सूडो नहीं होता, सूडो नहीं होता है अगर v कांस्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मैं गाड़ी पर बैठा हूं, गाड़ी कितना भी स्पीड से जाए और किधर भी जाए, मुझे सूडो वीडो फील नहीं होगा. लेकिन अगर मान लीजिए ये एक्सेलरेशन में है, अगर ये एक्सेलरेशन में है, कौन? लिफ्ट एक्सेलरेशन में है, तो जल्दी बताइए इस ऑब्जेक्ट को किधर, इस ऑब्जेक्ट को किधर सूडो फील होगा? नीचे. समझ गए? इस ऑब्जेक्ट को सूडो किधर फील होगा? नीचे. कितना? उतना ही जितना एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है. समझा? उतना ही जितना एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है. अब ऐसा करने के बाद मैं तो न्यूटन्स लॉ लगा सकता हूं, और वो क्या है? बड़ा कौन? बड़ा कौन? mg. तो mg ये नहीं होगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए. ओ माई गुडनेस, ऐसा नहीं, मैं तो सूडो वाला लगा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? इसको नीचे कितना फील हो रहा है, ये भी लगने वाला फोर्स है. सोचिए, क्या ये लिफ्ट के रिलेटिव कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है. ये जो एक्सेलरेशन सूडो वाला है वो सिर्फ इसको फील हो रहा है. मतलब बात को समझिए, जैसे ये कैसा एक्सेलरेशन है अच्छे समझिए, ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ये लिफ्ट मूव कर रहा है. पूरा सिस्टम लिफ्ट के साथ साथ, लिफ्ट का पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. सो इसको आप क्या करते हैं, एम ए से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू के राइट साइड में लिखते हैं. बट इसको नहीं लिखेंगे आप इक्वल टू के राइट साइड में. क्यों? क्योंकि ये वो एक्सेलरेशन नहीं है जिससे ये मास कहीं जा रहा है. ये मास तो कहीं जा ही नहीं रहा है, ये मास विद रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट कहीं नहीं जा रहा है. तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये जाने वाला एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो इसका फीलिंग वाला एक्सेलरेशन है. मतलब बात को समझिए, जिस तरह से टेंशन ये बॉडी को फील हो रहा है, लग रहा है, वजन ये बॉडी पर लग रहा है, उस तरह से सूडो फोर्स भी बॉडी पर लगता है. सूडो फोर्स भी बॉडी पर लगता है. समझे? सूडो फोर्स भी बॉडी पर लगता है, यानी इक्वल टू के राइट साइड में एमए लिखने की जरूरत नहीं है.
ये वाला MA राइट साइड में नहीं होगा, क्या लिखेंगे, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। और ये सूडो एक्सेलरेशन कितना है, जितना लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, तो टेंशन कितना होगा, mg प्लस ma। अरे बाप रे बाप, बात को समझिए, क्या है बात, बात ये है कि लिफ्ट अगर मान लीजिए नहीं जा रहा है कहीं, लिफ्ट चुपचाप खड़ा है, आप भी चुपचाप अंदर खड़े हैं, लिफ्ट भी खड़ा है, आप भी खड़े हैं, सब रुका हुआ है, ऐसे में टेंशन कितना होगा, जितना mg है ना, सब अगर रुका हुआ है तो टेंशन कितना होगा, जितना नीचे mg है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जाने लगे, आप लिफ्ट में गए हैं ना कभी, तो लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो आपको नहीं लगता कि मैं लिफ्ट को दबा रहा हूं, जितना दबाता हूं उससे ज्यादा है कि नहीं, बचपन से लेकर आज तक आपको अपना वजन का आदत हो गया है, समझे, तो मैं इस जमीन को दबा रहा हूं ऐसा मुझे लगता नहीं है क्योंकि मुझे आदत हो गया है, यानी मुझे इतना जमीन के द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिल रहा है वो मुझे 24 घंटा मिलता है और मुझे आदत हो गया है उस चीज का, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा फील नहीं होता है, समझे। लेकिन अगर मैं किसी लिफ्ट में घुस जाऊं और लिफ्ट जा रहा है ऊपर, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, मुझे सूडो लगेगा नीचे, तो मैं जमीन को पहले दबा रहा था सिर्फ mg से, अब मैं जमीन को mg से भी दबाऊंगा और साथ में ma से भी दबाऊंगा, तो ऐसे में तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा ना, समझे। जब लिफ्ट कहीं नहीं चल रहा था तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg, n इज इक्वल टू mg, समझे। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो आप अपने आप को भारी महसूस करेंगे, है ना, जायंट व्हील याद है, मेले वगैरह में लगता है, जो मेले वगैरह में जो जायंट व्हील लगता है वो, ये मान लीजिए सीट है, यहां पर आप मान लीजिए बैठे हैं, तो जायंट व्हील में जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है कि मेरे वजन बहुत भारी हो गया है, लगता है ना। और जब आप घूम के इधर आते हैं और जब आप नीचे जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि मेरा वजन बहुत हल्का हो गया है, क्यों, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको सूडो नीचे फील होता है, ये जो ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो आपको इतना सूडो फोर्स नीचे फील हो रहा है, और mg तो है ही जिंदाबाद, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया ना बे, नॉर्मल रिएक्शन अब mg प्लस ma हो गया, समझ रहे। और जब जब वो जॉइंट व्हील नीचे जाता है एक्सेलरेशन ए से, तब आपको सूडो ऊपर फील होता है, बट वजन तो नीचे ही है, तो पहले देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो था वो सिर्फ mg के बराबर था, कब, जब आप झूले से बाहर यहां खड़े थे, लेकिन जब झूला नीचे जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg माइनस ma, नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg माइनस ma, समझे। और भी बहुत कुछ समझना बाकी है, तो आइए, ये तो नॉर्मल रिएक्शन का बात हो गया, आइए वापस से टेंशन पर आ जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, व्हेन एवरीथिंग इज एट रेस्ट देन टेंशन इज इक्वल टू mg, फॉर रेस्ट और नॉन एक्सिलरेटेड बॉडीज, नॉन एक्सिलरेटेड बॉडीज टेंशन कितना होगा, mg। For accelerated, sorry, for rest or non-accelerated bodies, मतलब ये lift अगर कहीं नहीं गया या फिर कहीं भी गया तो constant speed से गया, acceleration zero है, उस समय आपको pseudo क्यों feel होगा, जब lift का ही acceleration नहीं है तो आपको pseudo क्यों feel होगा, तो उस समय tension is equal to mg होगा। लेकिन for accelerated system, what is the tension, mg plus ma if the lift is going up, समझे। Similarly, if the lift is moving down, अब नीचे जा रही है मान लीजिए लिफ्ट, तो कितना भी स्पीड से जाए अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है तो ऐसे केस में टेंशन इज इक्वल टू एमजी होगा,
ऐसे केस में टेंशन इज इक्वल टू एम जी होगा, नो चेंजेस। लेकिन अगर मान लीजिए लिफ्ट एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है, कितना ए, लिफ्ट एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है, तो आपको यानी इस बॉडी को सूडो किधर फील होगा, ऊपर, और ये लगने वाला फोर्स है इज इक्वल टू एम ए, राइट साइड में बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू एम ए, वो इज इक्वल टू एम ए में ये वाला ए नहीं लिखते, नहीं लिखते, क्योंकि वो, क्योंकि वो जो बॉडी है वो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कहीं नहीं जा रहा है, तो इज इक्वल टू एम ए काय को, बड़ा कौन छोटा कौन काय को, इक्वल है सब, इसलिए तो कहीं नहीं जा रहा वो। तो ऐसे में क्या बोलेंगे, ऊपर का टोटल फोर्स टी प्लस एम ए सूडो इज इक्वल टू नीचे का टोटल फोर्स, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी माइनस एम ए सूडो। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितना लिफ्ट का एक्सीलरेशन होता है उतना ही सूडो एक्सीलरेशन होता है, सूडो फोर्स उतना नहीं होता है जितना लिफ्ट का होता है फोर्स, बट सूडो एक्सीलरेशन उतना ही होता है जितना लिफ्ट का एक्सीलरेशन होता है, समझे। तो मैं लिख सकता हूं टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो प्लीज रिमेंबर, लिफ्ट अगर ऊपर एक्सीलरेशन से गया तो टेंशन ज्यादा हो जाएगा, और लिफ्ट अगर नीचे एक्सीलरेशन से गया तो टेंशन कम हो जाएगा। लिफ्ट अगर नीचे एक्सीलरेशन से गया तो टेंशन कम हो जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। अब एक और बात सुनिए, जितना ज्यादा एक्सीलरेशन से ये जाएगा लिफ्ट, उतना ज्यादा टेंशन बढ़ेगा। जितना ज्यादा एक्सीलरेशन से लिफ्ट जाएगा उतना ज्यादा सूडो एक्सीलरेशन इस बॉडी को फील होगा, और नीचे की ओर फोर्स उतना ज्यादा होगा तो टेंशन उतना ज्यादा होगा। तो ये एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा टेंशन उतना ज्यादा होगा, समझे। तो याद रखिएगा कि एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा टेंशन उतना ज्यादा होगा, कॉमन सेंस। और यहां देखिए, यहां एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा टेंशन उतना कम होगा, जितना ज्यादा एक्सीलरेशन नीचे होगा लिफ्ट का उतना ज्यादा सूडो एक्सीलरेशन ऊपर होगा, और ऊपर तो टेंशन भी है, समझ में आया। तो यहां पर एक्सीलरेशन अगर लिफ्ट का बढ़े तो टेंशन कम होने लगता है। तो बताइए ये टेंशन जीरो कब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन विल बी दिस टेंशन इक्वल टू जीरो, होमवर्क बताइएगा, ठीक है। कि इस बॉडी को, इस केस में तो टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता, लेकिन इस केस में, इस केस में टेंशन जीरो किस, कैसा कंडीशन में होगा, समझे। यानी लिफ्ट कितना एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा कि स्प्रिंग पर टेंशन जीरो होगा, आई बात समझ में। तो आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। तो यह हो गया टेंशन का बात, क्या ऊपर जाएगा तो mg प्लस ma, ऊपर जाएगा तो टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma, और नीचे जाएगा तो टेंशन इज इक्वल टू mg माइनस ma, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आंसर तो आप लोग देते ही नहीं है, 150-200 बच्चों में से मैंने देखा है मुश्किल से 45-50 बच्चे आंसर देते हैं, क्या होगा पता नहीं, मेरा और आपका दोनों का क्या होगा। अब चलिए बात करते हैं फिर से लिफ्ट के बारे में। मान लीजिए लिफ्ट के फ्लोर पर कोई बॉडी रखा है, और लिफ्ट मान लीजिए चुपचाप रेस्ट पर है या फिर नॉन एक्सीलरेटेड है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या फिर नीचे, आगे या फिर पीछे, दाएं या फिर बाएं, कहीं भी जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उस समय क्या होगा बाबू, नीचे mg ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अबे लिफ्ट के फ्लोर पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन देखो भाई नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg हो जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगा एक्सीलरेशन से, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगा एक्सीलरेशन से, तो इसको सूडो किधर फील होगा, नीचे। तो सूडो फोर्स कितना होगा, इसका मास अगर m है
तो एम इंटू सूडो एक्सिलेशन, फिर से वही बात, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स और ये ए तो सेम ही होता है ना, तो मैंने ए सूडो की जगह ए लिख दिया। तो क्या देखा आपने कि इस चीज का वजन जितना फील होता था उससे ज्यादा फील होगा, ओवरवेट, फीलिंग ऑफ ओवरवेट। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस इंसान को ये सूडो की वजह से जी ज्यादा महसूस हो रहा है ना, जी ज्यादा महसूस हो रहा है। कितना महसूस हो रहा है? जी जी प्लस ए महसूस हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स होता है जो इसको पता चलता है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन इसको लग रहा है डायरेक्ट बाय द फ्लोर। तो जितना ज्यादा लगेगा उसको उतना लगेगा कि मैं तो लिफ्ट का फ्लोर को बहुत जोर से दबा रहा हूं, मैं तो दब गया। ऐसा जितना जोर से लिफ्ट ऊपर जाएगा उतना ज्यादा वो लिफ्ट को नीचे दबाएगा। इस सब आराम से समझ सकते हैं आप, समझे? तो फॉर एक्सिलरेटेड फॉर्मूला है ये फॉर्मूला फॉर एक्सिलरेटेड है, और ये फॉर्मूला फॉर नॉन एक्सिलरेटेड है या रेस्ट। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये लिफ्ट है और ये मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, नीचे mg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ये इतना बात तो फिक्स है, पक्का है। अब मान लीजिए लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से, तो इस बॉडी को सूडो एक्सेलरेशन किधर फील होगा? ऊपर फील होगा। कितना? जितना ये एक्सेलरेशन है, समझे? सूडो एक्सेलरेशन सेम होता है, सूडो फोर्स सेम नहीं होता, ठीक है? तो इसको कितना सूडो एक्सेलरेशन फील होगा? जितना इसका एक्सेलरेशन है। अब क्या ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स? तो ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन है और सूडो फोर्स कितना होगा? मास ऑफ द बॉडी इंटू सूडो एक्सेलरेशन, और नीचे कौन सा फोर्स है? mg। तो ऐसे में देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो आदमी अपना वजन के रूप में फील करता है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो mg क्या है? उसका एक्चुअल वजन है, mg उसका एक्चुअल वजन है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या है? वो वजन है जो मैं फील करूंगा, समझे? अब देखो, मान लो वो जो कॉइन डाल के हम अपना वेट चेक करते हैं ना, कॉइन डाल के अपन अपना वेट चेक करते हैं, तो ये मान लो वो मशीन है, ये मान लो वो मशीन है, बराबर। तुम इस पर खड़े हो जाते हो और तुमको यहां पर तुम्हारा वेट दिखता है, कैसे? तुम्हारा mg कितना है उसको इसने मेजर नहीं किया, वो क्या मेजर किया? कि तुमको n कितना लग रहा है, समझे? द मशीन इज मेजरिंग दिस n। अब ऐसा मशीन अगर इस लिफ्ट में रखा हो तो आपका वजन अगर 80 है तो ड्यू टू दिस ma सूडो योर वेट विल बी मोर देन 80, योर मास विल बी मेजर्ड मोर देन 80, मोर देन द एक्चुअल। और ऐसा मशीन अगर इस लिफ्ट में रखा हो जो नीचे जा रहा है तो योर मास विल बी मेजर्ड लेस देन 80, क्योंकि उस समय तो सूडो एक्सेलरेशन ऊपर फील होगा जिस वजह से नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, समझे? तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg माइनस ma। तो बेटा एक चीज देखना ध्यान से, जैसा मैंने टेंशन के लिए पढ़ाया वैसा मैंने नॉर्मल रिएक्शन के लिए पढ़ाया। क्या ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टेंशन, अगर टेंशन वाला क्वेश्चन है तो टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma, अगर नॉर्मल रिएक्शन वाला क्वेश्चन है तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस ma, अगर नीचे जा रहा है तो टेंशन इज इक्वल टू mg माइनस ma और नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू mg माइनस ma। यानी अगर टेंशन वाला क्वेश्चन है, ऊपर लटकाया हुआ है तो ये ऊपर जा रहा, तो नीचे जा रहा तो ये, और अगर नीचे रखा है नॉर्मल रिएक्शन वाला क्वेश्चन है तो ये n इज इक्वल टू mg प्लस ma ऊपर जा रहा, तो n इज इक्वल टू mg माइनस ma नीचे जा रहा, तो समझा? तो फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूं होमवर्क के रूप में कि व्हेन विल बी दिस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू जीरो, समझे?
यानी ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो कब होगा आपको बताना है, समझे? और बताइए तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा तो क्या होगा, आपको लगेगा कि आपका वजन ही नहीं है, जीरो। ऐसा मशीन अगर यहां रख दिया जाए तो आपका मास बताएगा जीरो केजी। द मोस्ट द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ व्हेन द मास विल बी शोन एज जीरो केजी। ये तो हो गया लिफ्ट का ऊपर और नीचे जाने का बात। एक और छोटा सा बात बचा है, वो क्या होगा जब लिफ्ट सामने या पीछे जाएगा, सामने या पीछे जाएगा तब क्या होगा। मतलब ये मान लीजिए जी है, कुछ भी, ये मान लीजिए लिफ्ट है और इस पर कोई चीज मान लीजिए बंधा हुआ है। अगर इसका वेलोसिटी कितना भी क्यों ना हो लेकिन अगर कांस्टेंट है, किस डायरेक्शन में, राइट साइड में, वेलोसिटी कितना भी क्यों ना हो लेकिन कांस्टेंट है, उस समय ये जो लटक रहा है ये सीधा लटका रहेगा। सच में आप यकीन करो मेरा, चाहे ये लिफ्ट कितना भी स्पीड से जाए, ये जो सीधा लटक रहा है ये सीधा ही लटका रहेगा, क्योंकि ऐसे में सूडो थोड़ी फील होता है। सूडो कब फील होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, मतलब जब एक्सीलरेटेड मोशन हो, उस समय बताइए। अगर इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन राइट साइड में ए है तो ये जो बॉल है जिसका मास एम है इसको किस डायरेक्शन में सूडो फील होगा, वेरी गुड, लेफ्ट साइड में, समझे? इसको सूडो किधर फील होगा, लेफ्ट साइड में। कितना, उतना ही सूडो एक्सेलरेशन सेम होता है, सूडो फोर्स नहीं। तो इसको लेफ्ट साइड में एक सूडो एक्सेलरेशन फील हो रहा है, जिस वजह से ऐसे लिफ्ट में जो एक्सेलरेशन से राइट साइड में जा रहा है उस लिफ्ट में ये मास सीधा नहीं लटकेगा, वो मास इधर आ जाएगा, समझे? ड्यू टू द सूडो फोर्स, कितना एम ए, इसका मास अगर एम है तो ड्यू टू द सूडो फोर्स कितना एम ए, दिस विल बी इंक्लाइंड विद द वर्टिकल विद एन एंगल थीटा। तो किसी ने पूछा फाइंड दिस थीटा, तो बहुत आसान है यार, ये देखो, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगता है, ध्यान से देखिएगा। आप स्टोरी समझ गए, स्टोरी ऐसा है कि ये लिफ्ट राइट साइड जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो आपको तो समझ में आ गया कि इस बॉल को लेफ्ट साइड में सूडो एक्सेलरेशन फील होगा, कितना, जितना लिफ्ट का एक्सेलरेशन राइट साइड में है, तो इसको सूडो फोर्स कितना लगेगा, एमए, ठीक है, हाँ, इस डायरेक्शन में, दिस इज द सूडो फोर्स, ठीक है। और टेंशन आप जानते हैं किधर लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग, और एमजी किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना, अच्छा न्यूमेरिकल है एग्जाम में आने लायक। एमजी किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब तुरंत देखिए, मैंने अगर यहां पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल बनाया तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। अब देखिए, इस डायरेक्शन में टी लग रहा था, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, टी साइन थीटा। अच्छे से एनालाइज किया करो कि टी कॉस थीटा टी साइन थीटा कैसे आया, तब खुद भी तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्सेलरेशन किसी भी दिशा में नहीं है, यानी ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और बॉडी इक्विलिब्रियम होने से क्या होता है, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, दाएं का फोर्स इज इक्वल टू बाएं का फोर्स, आगे का फोर्स इज इक्वल टू पीछे का फोर्स होता है, है ना। तो वही बात है कि वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस इक्वल है, तो लिख दो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। देखो वाई डायरेक्शन का फोर्स को मैंने इक्वेट कर दिया, फिर मैंने बोला एक्स डायरेक्शन का भी सब फोर्स इक्वल है, तो मैं क्या बोलूंगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, समझे? ऐसे में अगर आपको थीटा चाहिए तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
अगर ऐसे में आपको थीटा चाहिए, मान लीजिए ये इक्वेशन टू है और मान लीजिए ये इक्वेशन वन है, तो आप वन बाई टू कर दो, क्या होगा वो t साइन थीटा अपॉन t कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी होगा, इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। ठीक है, तो टी टी कट गया तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, एम एम कट गया इज इक्वल टू ए बाई जी। अरे वाह वाह वाह, इसका मतलब क्या हो रहा है कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी, समझे। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि जब a g के बराबर हो जाएगा, मतलब इस तरफ का एक्सेलरेशन मान लीजिए अगर g के बराबर है तो उस समय थीटा कितना होगा, व्हाट विल बी द एंगल विथ विच दिस पेंडुलम विथ विच दिस विल बी मास विल बी इंक्लाइन टू द वर्टिकल। ये एंगल आप बताना जब a इज इक्वल टू g होगा। हो गया, एंगल बता दिए। अब चलिए टेंशन पता करते हैं, क्या होता है लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, लिफ्ट जब नीचे जाता है तो T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, लेकिन लिफ्ट जब सामने जाएगा तो क्या, तब क्या करेंगे, जब लिफ्ट सामने जाएगा तब क्या करेंगे, यही दो इक्वेशन से हम टेंशन निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन से आप टेंशन कैसे निकालेंगे, देखिए जब आपको थीटा निकालना था तब आपने टेंशन को एलिमिनेट कर दिया, अब जब आपको टेंशन निकालना है तो आप थीटा को एलिमिनेट कर दो। अब कैसे करोगे एलिमिनेट, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके। अगर आप वन इक्वेशन और टू इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, अबे ऐड करके स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, तो पहले ही तुम स्क्वायर कर दो और फिर ऐड करना। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायरिंग कर दो, चलो क्या होगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड को मैंने स्क्वायर कर दिया और ऐड भी कर दिया, और राइट साइड में क्या होगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ये देखो राइट साइड के इक्वेशन को भी मैंने पहले स्क्वायर किया फिर ऐड किया, और मैं यहां से टी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से एम स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं और वो होगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अरे वाह, थीटा हो गया एलिमिनेट, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन होता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, समझे। अब दोनों साइड कर दो स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू एम अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझा। तो ऊपर गया तो एम जी प्लस एम ए, नीचे गया तो एम जी माइनस एम ए, लेकिन अगर राइट साइड में गया या लेफ्ट साइड में गया तो टेंशन जो होगा वो हो जाएगा एम इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही तीन फॉर्मूला आपको बताना था आज के सेशन में। अब आप इसको अच्छे समझो, बड़ा मजेदार सेशन है ये, और इस पर बेस्ड आपका सेशन नंबर 8 भी है। तो चलिए, ऐसा सेशन आपको मुबारक हो, टाटा।